राधे राधे। दर्शन हो गए बढ़िया से? बढ़िया सभी लोगों के ना। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी हम वृंदावन में, वृंदावन आए थे कल रात को करीब 1 बजे के आसपास, और कल रात को हमने करे थे प्रेमानंद महाराज के दर्शन। अगर आपने हमारा कल का ब्लॉग चेकआउट नहीं करा है तो कल का ब्लॉग चेकआउट करो, उसमें बहुत अच्छे से हमने कराए हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन, और हमने भी करे हैं। और मैं लेकर आया हूँ अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा को और दीदी को, जिया जी को, सबको घुमा रहा हूँ। और बहुत लॉन्ग टूर चलने वाला है हमारा, और हम रुके थे रात को इस वाले गेस्ट हाउस में। ये गेस्ट हाउस बोलोगे, धर्मशाला बोलोगे, क्या बोलोगे, बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा और अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे वृंदावन में। बहुत जगह बन गई, ये सारी बिल्डिंगें बनी हुई है ना, सब ऐसे ही गेस्ट हाउस है छोटे छोटे, तो इसी में हमने रूम लिया था रात को और इधर ही रुक गए थे। अभी नहा धो के हो गए फिट, सुबह के टाइम है 7:10 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। गाड़ी मेरी ये खड़ी है और मम्मी पापा अंदर हैं, उन्होंने भी नहा लिया सब रेडी है एकदम से। तो जाऊँगा अंदर, कराऊंगा अपने मम्मी पापा से इंट्रो, मिलवाऊंगा आपको। अगर आपने कल का ब्लॉग चेकआउट नहीं किया तो कल का ब्लॉग देखो, उसमें भी मिलवाया, तो ब्लॉग लास्ट तक देखना, काफ़ी मजे आएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे वो सब बताएंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं वृंदावन से। गो तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो को टूर प्लान हमारे साथ, बन भी है रॉन ट्रिप, कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप हमें इस नंबर पे, हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिकल, इनोवा, वैगन आर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस सभी लोग रेडी हो गए, सो गाइस अब मिलवा देता हूँ अपनी फैमिली से। ये है मेरे मम्मी पापा और दीदी। हेलो, राधे राधे। सो गाइस ये मेरी मम्मी, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, ये मेरी छोटी वाली दीदी है, और ये मेरे छोटे वाले जिया जी है, और ये पापा है, राधे राधे। और हमारा टूर चल रहा है मथुरा वृंदावन, हर जगह घूम रहे हैं। ये लाइट ऊपर ऐसे कर रही है, कलर चेंज होते होंगे, है ना, तो हर जगह घूम रहे हैं। और हम अभी जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। हो गए नहा धो के रेडी? रेडी हो चुके हैं। और हमने शाम को ये वाला रूम लिया था, ये देखो पूरा रूम है, अंदर एक और भी रूम है, तो दोनों रूम लिए थे, आराम से सोए थे। और अभी उठ गए सुबह सुबह, नहा धो के फिट हो गए हैं और अब निकल रहे हैं। चलो आपको भी कराएंगे बांके बिहारी के दर्शन, और कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ब्लॉग लास्ट तक देखना, कई दिन चलने वाला है हमारा टूर और बहुत सारी जगह जाने वाले, तो चलते हैं बांके बिहारी जी, मिलते हैं वहीं पहुँच के। बस हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर पे। मंदिर पे मैंने अपनी मम्मी पापा को ड्रॉप कर दिया और मैं आ गया गाड़ी खड़ी करने यहाँ पे। मैं हमेशा यहीं पे गाड़ी खड़ी करता हूँ जब कस्टमर को लाता हूँ तब भी, और अब भी मैंने यहीं खड़ी कर दी। अब यहाँ से ना थोड़ा सा दूर पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा मुझे, तकरीबन 5 मिनट तब पहुँचूंगा। मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया कि आप लोग अंदर चले जाओ, आपको टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे जाओगे, मैं भाग के आ जाऊँगा और वो दर्शन कर लेंगे। फिलहाल अगर मैं पहुंच गया तो साथ में कर लेंगे, वरना वो कर लेंगे दर्शन। मैंने कहा तुम मेरे लिए रुके मत रहना, जैसे ही जगह मिले ना दर्शन कर लेना, क्योंकि बांके बिहारी जी में बहुत भीड़ रहती है। तो मैं जा रहा हूँ इधर से पैदल, तकरीबन पड़ेगा 200 मीटर के आसपास। गाड़ी में लॉक कर दूँ, गाड़ी लॉक करने की मेरी बहुत आदत है कि लॉक होती फिर भी मेरे मन में ऐसा रहता ना कि शायद लॉक नहीं हुई है, शायद लॉक नहीं हुई है। कभी कभी ऐसा होता ना शीशे नहीं खुले हैं, वो शीशे खुले हुए हैं तो मैं देखने जाता हूँ, ये वहम रहता है मेरे दिमाग में। तो चलते हैं कराते हैं आपके लिए भी बांके बिहारी जी के दर्शन। वहाँ पे कैमरा वैमरा चलाना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी वीडियो शूट जरूर करेंगे कि कितनी भीड़ है, बाकी गलियाँ भी दिखाएंगे वृंदावन वाली आपको। सो गाइस हम पहुँच गए वृंदावन की गलियों में, ये देखो है ना, पतली पतली गलियाँ और वाली गलियों में भीड़ हैवी वाली, भीड़ ही भीड़ है। राधे राधे, सब लोग दर्शन करके आ रहे हैं और हम जा रहे हैं दर्शन करने। बस अपने तो दर्शन हो चुके हैं, बढ़िया से कर लो दर्शन बाहर से, अंदर तो कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, तो अपने दर्शन बढ़िया से हो गए। फिलहाल अभी निकलते हैं बाहर की तरफ, धूप भी निकल आई है हल्की, कर लो माँ के प्यारी जी के दर्शन। तो दर्शन हो गए हैं बढ़िया से, गली में भीड़ ही भीड़ आ रही है, हमारे दर्शन बढ़िया से हो गए। और हम जिस टाइम पे गए ना उस टाइम पे आरती हो रही है, तो अभी बस हम पहुँच रहे हैं अपनी गाड़ी पर और इसके बाद जाएंगे हम गौरी गोपाल आश्रम। दर्शन हो गए ना बढ़िया से? बढ़िया दर्शन हो गए, दर्शन हो गए हैं बढ़िया से, और चलते हैं अब गौरी गोपाल आश्रम। सो गाइस अब मैं गाड़ी लेने आ गया हूँ, मम्मी मेरी ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाती हैं, तो मैंने उधर ही बैठा दिया थोड़ी दूर पे, और गाड़ी अपनी ये खड़ी है देखो सामने, बस गाड़ी लेके जाऊँगा बैठा के और फिर यहाँ से निकलते हैं। दर्शन करके आ गए और मैंने सभी लोगों को पिकअप कर लिया और हम यहाँ से निकल रहे हैं। बोलो राधे राधे। दर्शन हो गए बढ़िया से? बढ़िया सभी लोगों के ना। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरे मम्मी पापा बहुत देखते हैं टीवी पे वो आश्रम, उनकी कथा सुनाते हैं ना वो,
अनुरुद्धाचार्य जी कथा सुनाते हैं ना टीवी पे, तो वो हमेशा चलती रहती है मेरे घर में, तो ये बोले आज वहाँ चलते हैं। इसके बाद तो अभी हम वहीं जा रहे हैं वॉकिंग, मतलब ज्यादा दूर नहीं है फिलहाल, वॉकिंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ 1.5 किलोमीटर है बांके बिहारी मंदिर से, तो वहीं पे जाएंगे दिखाएंगे आपको भी गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम, है ना। चलो बोलो राधे राधे। हम पहुंच गए गौरी गोपाल आश्रम, लेकिन रास्ता यहाँ से बंद कर दिया आज, वो जंजीर लगी हुई है, तो गाड़ी मैंने यहाँ पे साइड में लगा दी गली में। मैंने बोल दिया यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे बोल दिया, बोल कोई बात नहीं आप 10-15 मिनट में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको भी मैं जल्दी आ जाऊँगा, मम्मी अपने मम्मी पापा से कह दूँगा वहाँ पर आते रहना आराम से दर्शन करके, और मैं दर्शन करके बाहर से तुरंत ही आ जाऊँगा गाड़ी के पास, है ना। और मैंने कल का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कराया, तो वो भी एडिट करके अपलोड करना है ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी वीडियो। ये देखो यहाँ से रास्ता बंद कर दिया है इन्होंने, जंजीर लगी हुई है ना ये देखो, और यहाँ पे ही आश्रम वो वहाँ पे। चलो चलते हैं मिलाते हैं वहीं पे। सो गाइस रास्ता पता क्यों बंद है, क्योंकि अभी परिक्रमा चल रही है वृंदावन की, ये देखो सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं और इसी वजह से बंद है, वरना गाड़ी ना पिछली बार मेरी ये गौरी गोपाल आश्रम के बिल्कुल सामने वाली पार्किंग में लगाई थी मैंने पिछली बार। अब इधर देखो पैदल ही इतने लोग चल रहे हैं, तो गाड़ी लाना सही भी नहीं है, इसी वजह से बंद कर दिया आज, है ना। हॉर्न बहुत बजाते हैं, हॉर्न बहुत बजाते हैं, इंडिया हमारी इंडिया हॉर्न के लिए फेमस है। बाहर के लोग आते हैं वो बताते हैं कि भाई तुम्हारी इंडिया में हॉर्न की बहुत से यूज़ करते हैं। ये देखो है ना गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम, ये है अनुरुद्धाचार्य। गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम, तो आश्रम कुछ इस तरह का है, ये यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। चलो मैं भी प्रसाद ले लेता हूँ। और अच्छे से देख भी लिया जहाँ पे वृद्धाएं रह रही ना कमरे के अंदर, सारी फैसिलिटी है वो भी हमने देख लिया बढ़िया से। और अभी टाइम हो गया है 10 बज गया, पूरा 10 बज गए, मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, कोई गाड़ी गली के अंदर खड़ी ना, कोई दिक्कत ना हो किसी को, इसलिए पहले पहुँच जा रहा हूँ मैं गाड़ी पे। चलो देखो परिक्रमा हो रही है यहाँ पे, हो रही है ना, काफ़ी लोग सभी नंगे पैर हैं, परिक्रमा वाले नंगे पैर ही दिखेंगे और हम चप्पल पहने क्योंकि हम परिक्रमा नहीं कर रहे हैं ना। सभी लोग आ गए हैं और हम पहुंच गए वृंदावन में सीएनजी पंप, सीएनजी भी पड़वा ली, तो सो अभी सभी लोगों के दर्शन हो गए, हाँ, जो वृद्धा रह रही थी सबके हाँ, दर्शन कर लिए ना, गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम में सबके दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण करा ना, प्रसाद भी ग्रहण किया है। कैसा लगा, बढ़िया बढ़िया, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं कि जो लोग आए वो आकर भी देखें झूठ है सच है, हाँ, वो सब सच है, सच है, जैसे टीवी में दिखाते हैं वृद्धा यहाँ ऐसे रह रही है पंखे की हवा में, टीवी लगी हुई है तो वैसे ही रह रही है, जैसे कि हमने आपको दिखाया छोटी सी क्लिप के साथ में। तो अभी सभी के दर्शन कर लिए हैं वृंदावन, अब हम रुकने वाले नहीं है, टाइम हो गया है 10:51, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, बालाजी मेहंदीपुर, बालाजी के लिए निकल लिया, बालाजी का बोलो मेहंदीपुर धाम की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय। तो अभी निकल लिए हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए और हम कहीं नहीं रुकेंगे। और भूख लग रही है नहीं, अभी प्रसाद ग्रहण करा, अभी तो भूख नहीं लग रही है, लेकिन रास्ते में कहीं लगेगा कि खाना खाना है तो रुक के खाना खा लेंगे और आपको भी कराएंगे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। तो मेहंदीपुर बालाजी निकलते हैं, बोलो मेहंदीपुर धाम की जय। तो गाइस हम पहुंच गए हलेना, हलेना में रुके हैं सीएनजी पड़वाने के लिए, क्योंकि हलेना में एक सीएनजी पंप है, तो वहां पे सीएनजी पड़वा लिया और खाना खाने का मन था लेकिन सब लोग मना करने लगे, बोले मेहंदीपुर जाके ही खाएंगे, तो यहां पे कुछ चिप्स कुरकुरे ले आए हम, वही खा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। बस भूख ज्यादा तेज लग रही है क्या? नहीं भूख नहीं लग रही है, बस मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाएंगे अभी हम, तकरीबन 40 किलोमीटर 40 मिनट दिखा रहा है, 42 मिनट लगेंगे टोटल,
और फिर लेंगे वहाँ पे कमरा, फिर खाने का देखेंगे। लंच हमारा आज लेट हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट तो हमने कर ही लिया था वहीं गौरी गोपाल आश्रम में ना। चलो भाई चलते हैं यहाँ से मेहंदीपुर। बोलो मेहंदीपुर धाम की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो सालासर बालाजी की जय। तो गाइस हम पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। रास्ते में खाना खाने लगे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, तो हमने रूम भी ले लिया इस वाली धर्मशाला में। ये वही धर्मशाला है जहाँ पे मैं अधिकतर अपने कस्टमर को लेके आता हूँ, है ना। लिखा है श्री विश्राम पटेल सेवा सदन, और ये भी पटेल है, मैं भी पटेल हूँ, मेरा नाम विक्की पटेल है। तो वैसे इनका सही है ना, रूम भी बढ़िया है। अभी वो सो रहे हैं ना मम्मी पापा, ये देखो 4:57 हो रहे हैं, मम्मी पापा सो रहे हैं। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में रूम, अभी वो सो रहे हैं। मैं थोड़ा सा कस्टमर से बात करने लगा इसलिए बाहर आ गया था ना। एक आउट ऑफ इंडिया से फ़ोन आ गया भैया, जो आउट ऑफ इंडिया से फ़ोन आते हैं ना, न्यूजीलैंड से फ़ोन आया, उन्हें कोई न्यूजीलैंड की वीडियो देखी अभी मेरी। भाई साहब 18 मिनट बात हुई, 18 मिनट, और टूर उनका पता कब है? वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ हम कौन से महीने में आएँ, इंडिया में कौन से महीने में अच्छे से घूम सकते हैं। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, किसी भी महीने में आ जाओ, इंडिया तो बहुत सुंदर है, हर महीने अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले 18 मिनट बात करी, बोले हमारा टूर तकरीबन 3 हफ्ते का रहेगा, 2 हफ्ते का करें 3 हफ्ते का करें। मैंने कहा जितना पैसा है उतने हफ्ते का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोले पैसे की कमी नहीं है, मैंने कोई दिक्कत नहीं सर, आप 2 वीक का भी कर सकते हो, 3 वीक का भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप करा अपना प्लान, मैं उन्हें कोटेशन दे दूंगा फिलहाल। तो अभी इधर ही घूम रहा हूँ ना, गाड़ी इधर खड़ी, और कोई और है नहीं। अभी दीपावली का टाइम है ना, तो मेहंदीपुर बालाजी खाली खाली चल रहा है, तो हमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। चलो मेरे मम्मी पापा का नसीब मेरा बढ़िया है, वरना यहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन उनका नसीब ऐसा है ना जो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। चलो अब दर्शन करने जाएंगे थोड़ी देर में शाम को, है ना। तो आज रात का स्टे हमारा इधर ही रहेगा, गाड़ी पूरी पार्किंग खाली पड़ी है। चलो कोई नहीं, बोलते हैं मेहंदीपुर धाम की जय। तो बस थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं, और हमारा कमरा कुछ ऐसा है, ये देखो। बाकी हो गए सब लोग रेडी? हो गए रेडी, जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। देखो कमरा कितना बड़ा है, बेड ही बेड, बेड ही बेड दिख रहे हैं ना लास्ट तक। देखो दूर से दिखाता हूँ, ये 4 बेड लगे हुए, इसी पे हम सब लोग सोए थे अभी। चलो पहुँचते हैं मंदिर की तरफ, बैटरी रिक्शे से जाएंगे, गाड़ी उतर जाना अलाउड नहीं है, गाड़ी रोक लेते हैं तो बैटरी रिक्शा करेंगे, और 10-20 रुपये में पहुँचा देगा बैटरी रिक्शा। दिखाएंगे आपको मंदिर के बाहर से, अंदर तो दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, और मार्केट भी दिखाएंगे आपको मेहंदीपुर बालाजी की। चलो मिलते हैं उधर ही पहुँच के। बस हम पहुंच गए हैं मंदिर पे और हमने प्रसाद ले लिया, बाकी मम्मी वो आ रही हैं, और ये मंदिर है तो इसकी ये लाइन लग रही है यहाँ पे। अभी शाम को लाइन बढ़ गई है, लेकिन दिन में लाइन नहीं थी ऐसा बोल रहे थे। चलो देखते हैं कितनी देर में दर्शन होंगे। बढ़िया से बस 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट भी नहीं लगे दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम थी। और यहाँ पे व्यवस्था को देख के ना ऐसा लग रहा है भीड़ कितनी ज़्यादा होती होगी, अंदर बहुत लाइनें बना रखी हैं, लेकिन कुछ लाइनें बंद कर देते हैं ना जब भीड़ कम होती है। देखो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी की चप्पल लेने, वो उस साइड में निकाल दी थी, है ना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर तक नंगे पैर चला नहीं जाता ना, तो हमने गेट पे उतार दी थी, बाकी हमने जहाँ से प्रसाद दिया था ना वहाँ पे उतारी थी। तो अभी कर लो आप भी दर्शन। और ये देखो ये क्या क्या लिया मम्मी? हमने बहुत सामान लिया, बहुत सामान। पापा तुमने क्या लिया? ये श्रीमद भागवत रामचरितमानस लिया। सो गाइस टाइम हो गया है 9:20 और हम मंदिर की तरफ ये घूम रहे थे, कुछ कुछ खरीद रहे थे, क्या क्या खरीदा वो सब बताएंगे अपने वही धर्मशाला में होटल में पहुँच के, है ना। तो ये वाला टेम्पो कर लिया जाने के लिए, और खाना वाना खा लिया, खाना ज़्यादा नहीं खाया था, बस 1-2 लोगों ने खाना खाया था, बाकी दोपहर में खाना खाया था ना उसी से पेट भर गया था। चलो पहुँचते होटल में, वही बताएंगे हम क्या क्या खरीदा हमने, ना बाकी दर्शन भी बहुत बढ़िया से होगा, मज़े आ गया, और भीड़ बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है, बस एक टेम्पो मिल पाया मुश्किल से हमें वहाँ तक जाने के लिए, कोई बात नहीं। पहुँचते हैं तो बस हम पहुँच गए अपनी धर्मशाला पे, देखो है ना,
और इस धर्मशाला में हमारे अलावा शायद मुझे ऐसा लग रहा है कोई और रुका हुआ नहीं है। एक बाइक और है, ये छोटी शायद इन्हीं की है, किसकी है पता नहीं, फिलहाल हमारी गाड़ी है, बाकी वो बसेस खड़ी हैं पार्किंग में, बाकी और कोई है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था, इतना भीड़ कम है, समझ रहा है, तो दर्शन कितने बढ़िया से होंगे तुम समझ सकते हो। बाकी यही धर्मशाला देखो मंदिर में दिखाई दी ना, चलो भाई चलते हैं अंदर। तो बस हम पहुंच गए अपने रूम में और टाइम हो गया है 9:25, समझ रहे हो ना कितना सारा घूम के आए हैं, है ना। बाकी देखो हमने रूम अपना दिखाई दिया था, बाकी सभी लोगों के हो गए दर्शन बढ़िया से, बढ़िया हो गए ना। और शॉपिंग की क्या 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 खरीदा तुमने? हमने मूर्ति खरीदी, बहुत सारी चीजें खरीदी, लोटा खरीदा, बहुत सारा सामान खरीदा, छोटा छोटा बहुत सारा सामान खरीदा है। दर्शन तो हमने बहुत कम टाइम में कर लिए थे, लेकिन फिर हम घूमते रहे मार्केट में और खाना वाना खाया नहीं था, तो बढ़िया से शॉपिंग की ना, छोटा मोटा सामान है ना, जो भी चीज़ें ली हैं शॉपिंग का मतलब, हमने जो भी धार्मिक चीज़ें हैं जैसे तस्वीरें हो गई, कड़े हो गए और ऐसे कुछ कुछ नहीं है ना, जो पूजा के रिलेटिव चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें खरीदी, है ना। मम्मी क्या क्या खरीदा तुमने? सारी चीज़ें खरीदी, पूजा कर लोट जल चढ़ाने का लोटा और प्लेट और दीपक, सारी चीज़ें खरीदी। कैसा लगा तुम फर्स्ट टाइम आई हो ना यहाँ पे? हाँ कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। दर्शन बढ़िया से हो गए? आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, दर्शन हो गए ना बढ़िया से। आपने क्या खरीदा पापा? मैंने ये गीता प्रेस की रामचरितमानस खरीदा है। अच्छा किताब? किताब, अच्छा अच्छा, रामायण, रामायण की किताब खरीदी पापा ने, ये देखो ये वाली रामचरितमानस किताब खरीदी थी, मुझे तो नाम भी लेना नहीं आ रहा है उसका, ये किताब है देखो पापा। वैसे हमारे घर पे किताब है ये, लेकिन वो बहुत पुरानी है, वो फट गई है, हो गया 55 साल पुराना। कितना कितनी पुरानी किताब? 55 साल पुराना हो गया, उसका अक्षर मिट गया है कहीं कहीं। अच्छा अच्छा, तो वो दिखती नहीं है कहीं हिसाब से? कहीं अब नज़र के हिसाब से दिखती नहीं है। अच्छा हाँ, तो अब मैंने कहा और नया ले लूँ, अब नज़र का प्रॉब्लम है इसलिए। तो अब नई किताब ले ली पापा ने। वैसे रोज पढ़ते हैं सुबह को नहा के मंदिर के सामने बैठ के, कितने अध्याय पढ़ते हो तुम रोज के? मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और 40 पाठ करता हूँ उसमें, और आरतियाँ करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि थोड़ी पढ़ते हो, दो पेज पढ़ते हो, चार पेज पढ़ते हो? नहीं, पूरा वो कांड होता है। अच्छा, एक कांड होता है वो पूरा खत्म करते हो रोज का एक? हाँ, हनुमान चालीसा। अच्छा, और हनुमान जी की आरती और वो देवी की आरती है, रामायण की आरती है। अच्छा, उसी किताब में है? हाँ, उसी किताब में है। चलो भाई बढ़िया से हो गया है हमारा दर्शन और हमारी शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें खरीदी, को सारा सामान रखा हुआ है ना यहाँ पे, छोटा 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 सा, ये मतलब छोटा ही है लेकिन है इसके अंदर बहुत चीज़ें रखी हुई हैं। चलो अब हम आज का ब्लॉक रखेंगे यहीं तक और कल हम किसी नई जगह जाएंगे, तो कल कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या देखेंगे और क्या दिखाएंगे अपनी फैमिली को, सब कुछ बताएंगे। तो इन्जॉय कर रहे हो ना आप लोग? बढ़िया से ना? बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो बीज बजरंगबली हनुमान की जय, बोलो मेहंदीपुर धाम की जय। सो गाइस, अब इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और भी आप भी लिखना मेहंदीपुर धाम की जय, मेहंदीपुर धाम की जय। तो बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, देख लिया ब्लॉग, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यार सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी शिमला मनाली नैनीताल जयपुर जोधपुर पुष्कर अजमेर खाटू श्याम सालासर मेहंदीपुर बालाजी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।